जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं विधायक ईश्वर सिंह द्वारा किसानों की जो दुख दर्द है उनको समझने की बजाय उनकी जले में नमक छिड़क रहा है। दुष्यंत चौटाला को यहाँ प्रोग्राम बुलाकर उसके विरोध में हम आज इकट्ठे होकर दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाएंगे और उसका विरोध करेंगे। पता चला है कि पुलिस भी आपकी तलाश कर रही है। हाँ जी, सुबह भी घर पर 3 गाड़ियाँ गई थी, 4:15 बजे हमें अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। यदि आप अरेस्ट हो जाते हैं तो वो आपके आंदोलन का क्या होगा? आपके कितने साथी होंगे? साथी बहुत हैं, किस किस को गिरफ्तार करेगी पुलिस? 1, 2, 3, 4 कितने, 10, 20, 50 साथी बहुत हैं। जो विरोध है वो होकर रहे। उप मुख्यमंत्री का आज प्रोग्राम है, हम तो लगातार 5 सालों से पहले भी संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में आवाज उठाने का जो कार्य करते हैं, लेकिन प्रशासन को पता नहीं क्या है, ऐसे हम कौन से 302 के आरोपी हैं या फिर कोई ऐसे अपने देश में कोई इस तरह का कोई गलत व्यवहार करने की उनकी मंशा है, इसलिए वो लगातार पूरी रात हो गए हम पर दबाव बनाया जा रहा है, परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया है, तो इसलिए हम प्रशासन की मदद करने के लिए आगे आए हैं कि हम किसी भी तरह से हम कोई देश विरोधी नहीं है, हम किसानों के हित में आवाज़ उठाने के लिए ही हमने अपना रोष प्रदर्शन करना था, लोकतंत्रिक तरीके से करना था, संवैधानिक तरीके से करना था। हम किसी भी तरह कानून को अपने हाथ में लेते और ना ही कानूनी प्रक्रिया से बाहर जाते हैं। नदी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या रुख रहेगा आप लोगों का? चलो हमें गिरफ्तार करके कोई किसानों की आवाज़ को थोड़ी दबाया जा सकता है। हजारों की तादाद में आज शायद गुला हल्का में हजारों किसान इसको लेकर आंदोलन भी कर सकते हैं और बड़े से बड़ा मतलब जो भी उनका होगा, जो उनकी रूपरेखा तैयार की गई है वो करेंगे, लेकिन यदि प्रशासन को हमारे गिरफ्तार करने से कुछ संतुष्टि मिलती है या फिर स्थानीय विधायक जेजेपी के उनको हमारी गिरफ्तारी से कोई अपना उसका कोई समस्या हल होती है तो हमें किसी भी तरह की कोई होनी है, हम प्रशासन को बीजेपी सरकार सर, जो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है वो किस मामले को लेकर? अभी हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, जो ये कुछ हमारे को सूचना मिली थी तो यहाँ एक दो बंदे हैं एजुटेशन करेंगे, कुछ सब मामले हम उनकी तलाश कर रहे हैं, बाकी पब्लिक से अपील कर रहे हैं हम भाई, आज का जो डिप्टी सीएम हरियाणा का प्रोग्राम है उसके अनुसार किसी प्रकार का उपयोग न करें, क्योंकि यहाँ चीका में सरकारी वीडियो डिडीपुर लोग हैं उसका उद्घाटन है, एक अम्बेडकर हॉस्पिटल का उद्घाटन है, इसलिए सबसे अपील है शांति बनाए। सर, किसी तरह का कोई लगता है कि किसान एकत्र हो सकते हैं? 10-11 बजे का किसानों का टाइम दिया हुआ है, कुछ कल दिया था। सभी पब्लिक से अपील करें कोई ऐसा ऑब्स्टेकल ना करें जो सरकारी काम है।